आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। फतेहपुर में चलाया गया नशा मुक्ति अभियान, विद्यार्थियों को नशा नहीं करने की दिलाई गई शपथ। कॉलेज के शिक्षकों ने भी ली शपथ। कस्बा शिवलहा के जनता इंटर कॉलेज का मामला आया सामने। फतेहपुर में चलाया गया नशा मुक्ति अभियान, फतेहपुर में नशा मुक्ति अभियान चलाया गया है, जहां विद्यार्थियों को नशा नहीं करने की शपथ दिलाई गई। कॉलेज के शिक्षकों ने भी ली शपथ। कस्बा शिवहल के जनता इंटर कॉलेज का मामला, फतेहपुर में चलाया गया नशा मुक्ति अभियान, विद्यार्थियों को नशा नहीं करने की दिलाई गई शपथ। कॉलेज के शिक्षकों ने भी ली शपथ। कस्बा शिवहला के जनता इंटर कॉलेज का मामला, फतेहपुर में चलाया गया नशा मुक्ति अभियान। हमीरपुर में संत की गुंडई आई सामने, युवक के साथ संत ने किया अभद्रता। युवक के साथ किया अभद्र भाषा का प्रयोग, बाबा ने युवक को जान से मारने की दी धमकी। बाबा की गुंडई का वीडियो हुआ वायरल। सुमेरपुर कस्बे का मामला, हमीरपुर में संत की गुंडई आई सामने, युवक के साथ संत ने की अभद्रता। युवक के साथ किया अभद्र भाषा का प्रयोग, बाबा ने युवक को जान से मारने की धमकी दी। बाबा की गुंडई का वीडियो हुआ वायरल। सुमेरपुर कस्बे का मामला, हमीरपुर में संत की गुंडई आई सामने। तस्वीरें देख सकते हैं आप, किस तरह संत गुंडई करता नजर आ रहा है, युवक के साथ संत ने किया भद्रता। इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता ब्रिजेश ओझा जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश, किस वजह से अभद्रता की गई संत द्वारा? जी, आपको बताना चाहूंगा कि जानकारी है कि एक मानसिक विक्षिप्त युवक को बाबा द्वारा पकड़ा गया और उस पर चोरी करने का आरोप लगाया गया था। जी, चोरी के आरोप में बाबा ने उस मानसिक विक्षिप्त युवक के साथ मारपीट करी और मारपीट के दौरान वहां पर जब तमाम सारे लोग मौजूद थे, उन्होंने बाबा से मारपीट करने को मना करा, तब बाबा ने उन सभी के साथ गाली गलौज करी और इसी बीच एक युवक की कॉलर पकड़ के उसके साथ भी जमकर गाली गलौज करते हुए उसको जान से मारने की धमकी दी। जी, इसका वीडियो वहां पर मौजूद कुछ लोगों ने अपने कैमरे में कैद कर लिया और वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। जी जी ब्रिजेश, क्या इस मामले पर किसी ने तहरीर दी है, कोई शिकायत दर्ज कराई है? हाँ, पुलिस के संज्ञान में मामला आया है और पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि जांच उपरांत जो भी उचित कानून कार्रवाई होगी वो करी जाएगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता ब्रिजेश ओझा जुड़े थे। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।